अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं फ़िश की रेसिपी, और ये रेसिपी हम बनाएंगे कटाकट स्टाइल में। फ़िश कटाकट बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने फ़िश ली है, ये कुंड फिश है, और हम स्पाइसेस डालते हैं इसमें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, तो स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, और 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च। अच्छा, फ़िश मैंने जो है वो सॉल्ट लगा के 2 घंटे रख कर फिर धो लिए, वॉश कर लिए अच्छी तरीके से। आप फ़िश कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने ये कुंद फिश ली है। और इसमें अब जाएगी हल्दी, 1 टीस्पून ही हल्दी मैंने ली है। स्पाइसेस आप थोड़े कम डाल सकते हैं क्योंकि हम कटाकट बना रहे हैं, तो इसके बाद भी स्पाइसेस ऐड होंगे। और 1 टेबल स्पून ही इसमें पिसी हुई सुर्ख मिर्च, रेड चिली पाउडर है। अब सॉसेस, ये सोया सॉस है, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून ही जाएगा। और 1 टेबल स्पून इसमें विनेगर जाएगा, वाइट विनेगर। इसको अच्छी तरह से हमने मसाले में कंबाइन करना है ऐसे करके इसको। अच्छा, फ़िश मैंने धोई थी सॉल्ट लगा के। सॉल्ट लगाने से ये होता है कि इसमें से स्मेल निकल जाती है, और जो फ़िश का टेस्ट होता है वो इन्हेंस हो जाता है सॉल्ट लगने के बाद। अगर फ़िश में ज़्यादा स्मेल है आपकी, तो इसको निकालने का एक तरीका और भी है जो मैं आपको शेयर करूँगी एंड में, आपको शेयर करूँगी कि किस तरह से फ़िश की स्मेल निकालते हैं। इसको मसाला लगाने के बाद तकरीबन मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी, ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। फ़िश में मसाला लगाने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको रैप कर दिया है, ताकि ये 2 घंटे हम इसको मैरिनेट के लिए रखेंगे फ्रिज में, ताकि मसाला ये अच्छी तरह से सॉक कर ले, फिर आगे का प्रोसीजर हम बाद में करेंगे। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मसाला लगाने के बाद आप फ्रीज़ कर सकते हैं, और 1 हफ्ते तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जितना अच्छा सा इसमें मसाला सॉक होगा, इतना ही टेस्ट इन्हेंस होगा आपकी फ़िश का। फ़िश हमने मैरिनेट होने के लिए रख दी है फ्रिज में। अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं अपने। इसमें मैंने लिया है बेसन, इसको हमने पेस्ट बनाना है। अब इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। थोड़ी सी हमने पिसी मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून, बस। थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी ली है। इसका हम ऐसा पेस्ट बना लेंगे कि हम इसको फिश को डीप करके इसको फ्राई कर सकें। ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, और ज़्यादा हमने इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं करना है। नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमने फ़िश में ऑलरेडी नमक लगा के उसको वॉश किया हुआ था, तो नमक का टेस्ट उसमें है, ऐसा ना हो तेज़ हो जाए नमक, तो इसमें हम नमक नहीं ऐड करेंगे। बस एक इसको पेस्ट की शक्ल में देके फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं। बस इसको इतना हमने पेस्ट बनाना है कि इसके लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। फ़िश हमारी मैरिनेट हो चुकी है, अब हम इसको करेंगे फ्राई, डीप फ्राई। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, इसको हीट कर रहे हैं। फिश को हम फ्राई करने लगे हैं, तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन का जो हमने मिक्सचर बनाया था, इसको हमने इसमें डिप करके
और बस इसको अच्छी तरह से हमने इसको कोट करना है बेसन के मिक्सचर में अच्छी तरह से। इसी तरह से हमने तमाम फिश के पीसीस को इसको कोट करके बेसन के मिक्सचर में अच्छी तरह से, और इसको हमने डीप फ्राई करना है। अभी हमने इसको टच नहीं करना है बिल्कुल भी, वरना इसकी जो कोटिंग है वो उतर जाएगी। अभी हमने 2 मिनट तक इसको हल्की आंच पे ऐसे ही होने देना है। इसके बाद फिश को हम साइड चेंज करते हैं इसकी। इसको थोड़ा सा दबाना है इसको, ताकि अंदर तक ये गल जाए हमारी फिश। इसका फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम लो पे रखना है। इसको हमने इतना पकाना है, इतना फ्राई करना है कि ये अंदर से अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। इसके लिए आप ये फॉर्क डाल के इसको देख सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल गल चुकी है अंदर से। ये देखें पूरी गल चुकी है। अब ये है कि हम इसको कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाए, ब्राउन कलर से आ जाए इसके ऊपर, तो फिर हम इसको चले जी। अब इसको हम डिश ऑफ करते हैं, निकालते हैं। और बस इस तरह से मैं सब अपनी फिश को फ्राई कर लूँगी। इस तरह से मैं तमाम फिश अपनी फ्राई कर लेती हूँ। फिश हमने फ्राई कर लिए है और अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं। ये फिश लेके इसको रूम टेम्परेचर पर जब ये आ जाए, तो हमने इसके तोड़कर इसमें जो कांटे वगैरह होते हैं वो हमने निकाल देने हैं। इसको बिल्कुल कांटों से साफ कर देना। इस तरह से कांटे इसमें ज़्यादा कांटे नहीं है इस फिश में, तो हमने ये कांटे इसमें से निकाल देने हैं जो भी ऐसे हाथ से करके। और पूरी फिश को जो है हम कांटों से क्लीन कर देंगे बिल्कुल। इस तरह से कांटे निकाल देने हैं हाथ से, ऐसे कर करके इसको साफ कर लेना है। अगर इसमें कोई भी कांटे रह गए हैं तो उसको निकाल लेना है। मैं तमाम फिश में से इसी तरह से ही सब कांटे निकाल दूंगी। ये फिश मैंने इसीलिए ली थी कि इसमें कांटे बहुत कम होते हैं। एक कंगी जो होती है वो होती है, और जो दूसरी फिश होती है उसमें कांटे बहुत होते हैं। तो कोशिश करें कि कटाकट बनाने के लिए ऐसी फिश चूज़ करें जिसमें कांटे कम हों, कांटों को अलग करते हुए कोई परेशानी ना हो। ये देखिए मैंने सब कांटे इसके निकाल दिए हैं, और इस तरह से इसको अच्छी तरह से चेक कर लिया है कि इसमें कोई कांटे नहीं है। अगर फिश कटाकट बनाने का सोचें तो ऐसी फिश लें जिसमें कांटे कम हो। इसमें एक कुंद होती है, सुरमई होती है, या पापलेट भी होती है, उसमें भी एक कंघी होती है पूरी, वो निकल जाती है, तो एक्स्ट्रा कांटे नहीं होते हैं इसमें बारीक बारीक। ठीक है, हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। और मुझे इसमें इतना टाइम भी नहीं लगा है कांटे निकालने के लिए। देखें ये इस तरह से इतने से बस इसमें से निकले हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने पैन लिया है, इसमें ऑयल डालेंगे हम। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऑयल लिया है। अब इसमें मैंने ये चॉप की हुई प्याज है, ये चॉप की हुई मैंने एक बड़ी प्याज ली है। इसको हमने फ्राई करना है, हल्का हल्का सौते करना है। एक बड़ी प्याज मैंने चॉप की, और इसको 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, इतना फ्राई करना है इसको। बस प्याज हमारी रेडी है। हमने इसको
कलर नहीं देना है, ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा सोते कर देना है, इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें मैंने दो टमाटर लिए हैं, इसको भी बारीक थोड़ा सा चॉप कर लिया है। हमने इसका मसाला फ्राई करना है, मसाला हमने कटा कटा बनाना है। और जी ये सॉफ्ट हो जाए टमाटर, बस ये टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट होने लगे, बस तकरीबन रेडी है हमारा ये मसाला। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, क्योंकि फिश में हमने ऑलरेडी स्पाइसेस डाले हुए हैं। कुटी मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया लिया है। सॉल्ट हम इसमें ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि हमने फिश में सॉल्ट ऐड किया हुआ है, तो हम टेस्ट करने के बाद इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम अपना सॉल्ट यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से, बस ये मसाला हमारा रेडी है। अब हम जो हमने फिश तोड़ के अपनी रखी हुई कांटों से पी करके हमने वो इसमें ऐड करनी है। फिश को हमने इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है, उसको भूनना है, और बस कटाकट हमारा रेडी है, क्योंकि फिश ऑलरेडी डन है, फिश हमारी ऑलरेडी डन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ओनली 5 मिनट्स में ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। इसको हमने कटाकट की तरह थोड़ा सा ऐसे ऐसे कट 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 करना है। ऐसे इस तरह से इसको करना है ताकि ये टमाटर हमारे मिक्स हो जाए फिश के अंदर। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। आप इस वक्त इसको टेस्ट कर सकते हैं, अगर इसमें आपको नमक कम लग रहा है तो आप नमक डाल सकते हैं इसको। अब मैं फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देती हूँ, फ्लेम बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया है इसको, बस थोड़ा सा हमने ऐसे इसको भूनना है ताकि ये बिल्कुल कटाकट स्टाइल में आ जाए। अब इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, 1/2 टीस्पून, 2 हरी मिर्च मैंने काट के रखी हुई है चॉप की हुई है, ये डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करें, बस अब इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। फ्लेम को मैं कर देती हूँ ऑफ, बस इसमें आप हरा धनिया ऐड करना है थोड़ा सा हरा धनिया, और 1/2 लीमू मैंने इसमें से स्प्रिंकल कर दिया है, बस ये बस 1/2 लीमू मैंने इसमें स्क्वीज कर दिया है। बस अब मैं डिश आउट करूँगी इसको, ये मैंने डिश आउट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक, और बहुत ही मज़े की कटाकट तैयार है हमारी फ़िश कटाकट। फिश में मसाला लगा के आप फ्रीज़ कर दें तो इसको बनाना, कटाकट बनाना बहुत इजी हो जाता है। कोई गेस्ट वगैरह आए तो आप उसको निकाल के और डीप रोस्ट करके उसको फ्राई करें, और मसाला भून के बिल्कुल रेडी हो जाता है, थोड़ा चेंज आ जाता है और फिश में वैरायटी भी आ जाती है। और मुझे बताते रहें कि आपको रेसिपीज़ मेरी देखने में कैसी लगी हैं, ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें इसको, सर्दी में बहुत अच्छी एक्स्ट्रा डिश है ये।
और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में। और लास्ट में मैं आपको टिप बताने वाली थी फ़िश की स्मेल निकालने के लिए। टिप्स ये है कि आप लहसुन लें और लहसुन को जो है छिलकों समेत कूट लें, ग्राइंडर में पीस लें और उस लहसुन से आप अच्छी तरह से फ़िश पे लगा दें और आधे एक घंटे बाद उसको धो लें। आप यकीन करें उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी फ़िश की। थैंक। और आप मेरी वीडियोस को देखें, पसंद करें और मैं इंशाल्लाह ताला नई नई रेसिपीज़ के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी अपनी नई वीडियोस में, नई रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।